नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीएस न्यूज 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुंडका इलाके की इमारत में जैसे ही आग लगी फौरन ही बचाव कार्य शुरू हो गया। बचाव कार्य में जुटे दमकल अधिकारियों का कहना था कि अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था, ज्यादातर शव कोयला बन चुके थे। कोरोना महामारी के बीच एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है, इसे टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू कहा जा रहा है। केरल में इस बीमारी की चपेट में 80 से ज्यादा बच्चे आ चुके हैं, इनमें से ज्यादातर बच्चों की उम्र 5 साल से कम है। कोरोना ने अब उत्तर कोरिया में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। देश में 17,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं और 21 और मौतें हुई हैं। हालात को देखते हुए सैन्य शासक किम जोंग उन भी सहम गए हैं। श्रीलंका में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा का मामला अदालत पहुंच गया है। एक वकील की ओर से कोलंबो कोर्ट में याचिका दायर कर पूर्व प्रधानमंत्री समेत अन्य 7 लोगों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। शुक्रवार का दिन 42.5 डिग्री सेल्सियस के साथ बीते 5 सालों में गर्म रहा। इससे पहले 2017 में पारा 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लू चलने के साथ भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में देर रात पुलिस और शिकारियों में मुठभेड़ हो गई, इसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पुलिसकर्मी काले हिरण के शिकार के मामले में सर्चिंग करने गए थे, यहां शिकारियों ने छिपकर उन पर फायरिंग की। पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ ने दोपहर 12 फेसबुक पर लाइव होकर पार्टी को अलविदा कह दिया। पार्टी छोड़ते समय उन्होंने कहा गुड लक और अलविदा कांग्रेस। इससे पहले उन्होंने अपनी ट्विटर बायो से कांग्रेस का नाम भी हटा दिया। केंद्र सरकार के गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के फैसले को कांग्रेस ने किसान विरोधी बताया। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि निर्यात से किसानों को अच्छी कमाई हो सकती है, परंतु सरकार ऐसा नहीं चाहती, इसी वजह से उसने यहां किसान विरोधी कदम उठाया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दस्तानी और शर्ली सेठिया अभिनीत फिल्म निकम्मा जल्द ही सिनेमा घरों में दस्तक देने को तैयार है। हाल ही में जारी हुए फिल्म के मोशन पोस्टर के बाद अब इसका पूरा पोस्टर जारी कर दिया गया है। उत्तरन सीरियल में इच्छा का किरदार निभाकर घर घर फेमस हुई टीना दत्ता टीवी पर जल्द कम बैक कर सकती हैं। टीना आखिरी बार 2018 में डायन शो में नजर आई थी, तभी से वहां छोटे पर्दे से दूरी बनाए हुए। हालांकि वह राजीव खंडेलवाल के साथ 2020 में G5 पर आई एक सीरीज नक्सलबारी में नजर आ चुकी है। वह अब जल्द एक फिक्शनल शो में नजर आने वाली है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए यूपीएस न्यूज 24 लाइव।